डेरिवेटिव का बड़ा प्यारा सवाल, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ बैलून विच रिमेन्स स्पेरिकल व्हेन बैलून विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन ब्लोन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, 4/3 πr³। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, देखो 4/3 π तो कॉन्स्टेंट है, ऐसे रहेगा, पावर नीचे गिरेगी, 3r² 3 कैंसिल, 4πr² ये आ जाएगा वॉल्यूम चेंजिंग का, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखो, जब भी वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, स्फेरिकल एरिया आता है। जब भी स्फेरिकल एरिया की बात हो तो उस चीज़ के वॉल्यूम का क्या ले लो, डेरिवेटिव। बड़ा अच्छा सवाल है, इफ़ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर दैट आर 6 feet लॉन्ग एंड इनक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 feet per minute, हाउ फास्ट इज एरिया ऑफ दैट स्क्वायर इंक्रीजिंग एट दैट डिस्टेंस। अब साइड अगर 6 की है और तब्दीली आ रही है 5 के हिसाब से, तो आपसे पूछ रहे हैं कि जी हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर इंक्रीजिंग एट दैट डिस्टेंस। तो एरिया का फार्मूला साइड स्क्वायर, डी ए क्या हो जाएगा यार, देखो सब पता है डेरिवेटिव है, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s। अब ये डी एस अगर नीचे हो तो डेरिवेटिव यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाए तो डिफरेंशियल। जब भी एप्लीकेशन के सवाल आ रहे हैं और यहाँ बात हो रही है कि एक खास स्टैंड की, तो इसका लंबे डिफरेंशियल हो जाएगा, 2 की जगह 2, एस की जगह 6, डी एस चेंज की जगह 5 दिया हुआ है ना, साइड 6 दी हुई है, चेंज 5 दी हुई है, पुट कर दो सबको, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 60 फीट स्क्वायर।